सतनाम श्री हर वाहे वाहे। प्यारे साथ संगत जी, एक बार फिर रविवार के दिन गुरु साहिब की आज्ञा वचन साहिब के रूप में उसका हम सार समझेंगे और फिर कुछ और बात भी चर्चा करेंगे। तो पहले वचन साहिब आज गुरु अर्जन देव साहिब जी की वाणी उसका सार समझते हैं। बिलावल महल्ला पंजवा। सहज समाध अनंत सुख पूरे गुरुदीन। पहली पंक्ति में भी कितना सार है। गुरु साहब कहते हैं सहज समाधि। सहज समाधि हम किसको कहेंगे? सहज मतलब जो सहज ही आए, आत्मा से आए, यानी हम उसे आत्मिक भी कह सकते हैं। समाधि मतलब बिल्कुल स्थिर होके बैठ जाना, मतलब अडोलता। तो जो बहुत ही प्रेम से, आत्मा से आप अडोल होके बैठते हैं ना, उसे सहज समाधि कहते हैं। और कहते हैं, आगे गुरु साहब कहते हैं, सहज समाधि आनंद सुख। उससे जो सुख प्राप्त होता है, जब हम कहते हैं ना एक चीज को अगर हम बार बार करते हैं तो बहुत ही सहजता से हमसे होने लग जाती है, और उसका एक अलग ही आनंद होता है कि हमें पता है ये हम कर लेंगे, ये हमसे हो सकता है। तो जब सहज समाधि यानी आत्मिक की अडोलता के स्तर पे हम जाते हैं, तो जो सुख मिलता है, एक देह का सुख होता है, एक आत्मा का सुख होता है। कई बार हम आत्मा के सुख और देह के सुख में भ्रम में पड़ जाते हैं। हमें ये देखना है कि जो देह का सुख है वो तो क्षणभंगुर होता है, आज है कल नहीं, आज आप एसी में बैठे कल नहीं, लेकिन जो आत्मा का सुख होता है वो चिर होता है, वो हमेशा के लिए रहता है। और एक बार आपको आत्मिक रस का स्वाद लग गया तो उसके बाद आपको और कोई रस भाएगा ही नहीं। इतना मीठा, इतना उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बस आप ये समझ लीजिए, जो सहज समाधि से आनंद और सुख प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होगा? पूरे गुरुदीन कहते हैं कि जब पूरे गुरु ने हमें ये दात बख्शी कि हम उस आत्मिक अडोलता में रहकर आनंद और सुख प्राप्त कर सकें, ये गुरु की कृपा है। कहते हैं सदा सहाय संग प्रभु अमृत गुण जी। अब सदा सहाय संग प्रभु, जो मनुष्य उस आनंद रस का स्वाद जान लेता है, उसको चख लेता है, उसको पहचान लेता है कि यही करने में मुझे आत्मिक आनंद आएगा। कहते हैं सदा सहाय संग प्रभु, प्रभु हमेशा अंग संग उसके सहाय होते हैं। जो भी प्रभु के ये जो आनंद सुख वाले जो क्षण है उसको पहचान लेता है और उसका नियम अपने जीवन में धारण करता है, उसके प्रभु सदा संग सहाय होते हैं। इसीलिए जब भी आप कभी समाधि की अवस्था की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है यम नियम, कि नियम से आप कार्य करो तब आप उस स्थिति तक पहुंच जाओगे। आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, ऐसे करते हुए उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे गुरु साहब फरमाते हैं जय जयकार जगतमय लोचे सब जिया, सुप्रसन्न भये सतगुर प्रभु कछ बिघन न थिया। कहते हैं कि जिस मनुष्य पर गुरु और परमात्मा अच्छी तरह से प्रसन्न हो गए हों, सुप्रसन्न भये सतगुर प्रभु कछ बिघन न थिया, उनके जीवन में कभी कोई रुकावट नहीं आती। और प्रभु और गुरु प्रसन्न कैसे होंगे? जब गुरु के बताए रास्ते पर चलकर आप आत्मिक अडोलता स्थिरता प्राप्त करेंगे तब गुरु प्रसन्न होंगे, हाँ ये शिष्य मेरा बिल्कुल सही राह पर जा रहा है, तब प्रभु भी प्रसन्न होते हैं। और कहते हैं जय जयकार का जय जयकार जगत में लोचे सब जिया, और ऐसे मनुष्यों की सारे जगत में हर जगह उनकी शोभा होती है और सारे जीव उनके दर्शन करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति तो प्रभु का प्यारा है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं
जाका अंग दयाल प्रभु ताके सबदास सदा सदा बढ़ियाँ नानक गुरपास। कहते हैं कि जो दया का स्रोत प्रभु जिस भी मनुष्य का पक्ष लेता है, और भगवान किस मनुष्य का पक्ष लेगा, जो हमेशा उसको याद करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसके बताए रास्ते पर चलेंगे, जो सहज ही, फिर से मैं वो बात कह रही हूँ, जो सहज ही स्थिरता की दशा में आते हैं और प्रभु का नाम जपते हैं, ऐसे मनुष्य का पक्ष प्रभु हमेशा लेता है, हमेशा उनके अनसंग सहाय रहता है। हम कहते हैं ना कि जो व्यक्ति बहुत प्रभु की भक्ति करता है, भगवान उसकी बात हमेशा सुनते हैं, और हमसे भी कहा जाता है ऐसे मनुष्य के जाके आशीर्वाद लेकर आओ, क्योंकि वो प्रभु का बड़ा भक्त है, क्योंकि भगवान की कृपा है उसके ऊपर। और आगे गुरु साहब कहते हैं सदा सदा बढ़ियाँ नानक गुरुपाद, कि ऐसे गुरु के चरणों में रहने वाले मनुष्य के साथ जब हम रहते हैं तो फिर हमें भी बढ़ियाँ मिलती हैं, हमारी भी तारीफ होती है कि ये व्यक्ति सही दिशा में चल रहा है, सही लोगों के साथ में है, ये कभी भी व्यक्ति गलत राह पर नहीं चलेगा, कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा। कितने प्यारे तरीके से, कितने सहज सरल तरीके से गुरु साहब ने अपनी बात आगे हमारे रखी। अब यहाँ पे मुझे आपसे ये कहना है कि बड़े सारे ऐसे ज्ञान की बातें हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं, कभी गुरुओं के माध्यम से, कभी ऋषि मुनियों के माध्यम से, कभी स्वयं भगवान के मुख से गीता के रूप में। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये ज्ञान को समझना, जानना, और उसके लिए हमें ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, ज्ञान लेना पड़ेगा, पूछने से खाली काम नहीं चलेगा। जब हम जानेंगे इस ग्रंथ से हमें क्या शिक्षा मिल रही है और हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं, तब हमें लगेगा हाँ अब हमें इसका लाभ मिला है। इसलिए हमेशा याद रखिए जो भी ग्रंथ आपके घर में हैं उनका अध्ययन ज़रूर करें, और कहीं कुछ अगर मुश्किल आ रही है तो आके अपने गुरु से पूछें, अपने बड़ों से पूछें कि इसका क्या अर्थ है, क्योंकि यही वो राह है जिस पर चलकर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। चलिए ये तो था आज का वचन साहिब, और आज एक बहुत जरूरी बात मुझे आपसे कहनी है। पिछले रविवार यहाँ पे मेरी उपस्थिति नहीं थी, क्योंकि मैं उस वक्त अपने देश के एक बहुत ही खूबसूरत जगह के सैर करने के लिए गई थी, कश्मीर। कश्मीर का नाम आता है तो सबके मन में या तो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ दिखती हैं, या फिर जो वहाँ पे झील है उस झील में बोटिंग करते हुए शिकारे नजर आते हैं। क्या हमारे लिए कश्मीर सिर्फ इतना ही है या इससे बढ़ के भी है? इससे बढ़ के है, क्योंकि कश्मीर का जो इतिहास है वो अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमारे पूर्वजों की जगह है, यहाँ पर हम पहले क्यों नहीं गए, हमने पहले दर्शन क्यों नहीं किए। तो नीलपत पुराण में बड़ा ही रोचक इसका व्याख्यान दिया हुआ है। अब आजकल के समय में नाम बहुत बदल दिए गए हैं, डल लेक कहते हैं जबकि इसका नाम डल लेक नहीं है, झेलम कहते हैं जबकि इसका नाम झेलम नहीं है, कहते हैं नीलम वहाँ पे बहती है, नीलम नहीं है, कृष्ण गंगा है, और वहाँ पे टिटवाला है जगह जिसका नाम टिटवाल नहीं है, उसका नाम है तीर्थबल। ऐसी बहुत सारी जगह हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैंने वहाँ पे देखी वो ये देखी कि अगर आप जगह का नाम बदल देते हैं तो आपका उससे कनेक्शन टूट जाता है। आज जो यहाँ पे सालों से कुबेर नगर में रह रहे हैं और हम कहना शुरू करें कि ये कुबेर नहीं, इसका नया नाम है जमशेदपुर, अहमदनगर, क्या आपकी वो यादें अहमदनगर के नाम से जागृत होंगी? नहीं होंगी। लेकिन जब अगर आपको भरी भीड़ में कोई कह दे कि अरे वो उसी जमशेदपुर की तो बात कर रही हूँ जो कभी कुबेर नगर हुआ करता था, लगेगा जैसे आपको अपना कोई मिल गया, एकदम से आपकी वो सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है
हर एक को उसके नाम से याद करना। हमारी सिंधियों में एक बहुत परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ नई बहू आती है घर में तो उसका नाम बदला जाता है। कहते हैं नाम बदलने के लिए भी आजकल फेमिनिस्ट भी बहुत हैं जो इसका विरोध करते हैं कि हम नाम क्यों बदलें। नाम बदलने की बड़ी प्यारी परंपरा है। कहते हैं जब लड़की नए घर में जाती है तो वो अपनी पुराना जीवन बीतती एक नया जन्म लेती है और उसके एक नए जीवन की शुरुआत होती है, एक स्त्री के रूप में, लड़की के रूप में नहीं, एक स्त्री के रूप में। तो वहाँ से अपनी नई पहचान बनाने के लिए नया नाम लेना है ताकि पुरानी यादें उसकी नई यात्रा पर हावी ना हो। तो ये एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है बताने का कि जब आप नाम बदलते हैं तो पिछली यादें से आप थोड़ा सा कटते जाते हैं। रिश्ते तो कभी फीके नहीं पड़ते, पुराने नहीं पड़ते, हम भूलते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नई जिंदगी में बसने के लिए हमें पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो यही बात जब मैंने कश्मीर में देखी और वहाँ पे पता चला कि ये डल झील नहीं है। डल झील का नाम पुराणों में अगर आप देखें तो पुराणों में उसका नाम महासरित आता है और महासरित के साथ साथ उसका एक और नाम भी आता है, वो है सतीसर, सतीसर झील, सतीसर। अब क्या होता है वहाँ हम जाते हैं तो हम उस जगह को सुरेश्वरी दल भी कहा जाता था। आप सुरेश्वरी दल कहें तो आपको एकदम से लगेगा कि आप ऋषि कश्यप के साथ कनेक्ट हो गए, लेकिन आप कहेंगे डल झील तो लगेगा जैसे कहीं विदेश में आए हैं। झेलम है, झेलम का नाम है वितस्ता। वितस्ता नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये नाम कहाँ से उत्पन्न हुआ है ये भी मैं आपको बता दूं। ये नाम स्वयं श्री भगवान शिव जी ने दिया था। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये फिर कभी, लेकिन कहने का मतलब यही है कि जब हम वहाँ पे गए और उन जगहों को उनके असली नाम से पुकारा, एक कनेक्शन सा जुड़ गया। सिर्फ यही नहीं, बहुत से मंदिर भी थे जो आप बहुत ही टूटी फूटी अवस्था में हैं, एक तरह से खंडहर की अवस्था में है, लेकिन वहाँ जाके मत्था जरूर टेका। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब पुराने ज़माने में हमारे यहाँ मंदिर बना करते थे तो वो ऐसे ही नहीं बनते थे, उसकी जगह जो है वो ऊर्जा शक्ति होती थी, उस जगह को चुन के वहाँ पे मंदिर बनाया जाता था, जैसे मार्तंड सूर्य मंदिर, जैसे मट्टन का सूर्य मंदिर, जैसे अवंतीपुरा का अवंती स्वामी मंदिर, अवितेश्वर मंदिर। ये बड़े प्यारे मंदिर हैं। आज भले ही वो खंडहर की अवस्था में है, लेकिन अगर आपका कभी सौभाग्य से वहाँ जाना हो तो ऐसी जगहों पे मत्था टेक के ज़रूर आइएगा। वो और कुछ नहीं ना सही, लेकिन वहाँ की जो एनर्जी है वो ज़रूर आपको आशीर्वाद देगी। और इसी तरह आशीर्वाद लेते लेते खीर भवानी मंदिर में भी हमने आशीर्वाद लिया, आरती अटेंड की, लगा कि जैसे अपने ही देश आए हैं। और लगा कितने मंदिरों के दर्शन करके ऋषि कश्यप और वहाँ के बाकी संतों का आशीर्वाद लेकर मैं जा रही हूँ। निमाणी विनती आप सबसे ये है कि आप जहाँ कहीं भी घूमने के लिए जाएं तो सिर्फ घूमने के लिए नहीं, उसका इतिहास पढ़ के जाएं कि आप किस जगह से कनेक्ट होने जा रहे हैं और आप किस जगह जहाँ गए हैं वहाँ की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, तभी घूमने का सही मज़ा आएगा। कि आपने अपने देश का ये हिस्सा भी कवर किया जहाँ पे ये सब कुछ था, आप साउथ भी गए वहाँ पे ये सब था, तो जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। यही कहने का मतलब था कि जब तक आप अपने ग्रंथों को नहीं जानेंगे आप उसका सही लाभ नहीं ले सकते। इसलिए अध्ययन करें, जानें, पढ़ें, समझें और याद रखें कि आपने जो पढ़ा है उसकी सिखिया क्या मिली है, चाहे घूमना हो और चाहे वो मंदिर आके भगवान जी के दर्शन करें। उम्मीद है कि ये आज की ये सिखिया आप सब अपने साथ रखेंगे और जब भी कहीं जाएंगे हमेशा इसका ध्यान रखेंगे। सतनाम श्री हरिवाहे।